अस्सलाम वालेकुम। ये राना साहब के ऊपर सारे जमा हो गए। अब आस्ता आस्ता सर पे बैठे हैं, इधर बैठे हैं ये सारी। अब खिला लो बेचारे को। एक मुट्ठी खा चुके हैं, अब ये खाएंगे। सारे नीचे जमा। बैठ जा राना साहब। सारे इसमें से मुट्ठी में से खा रहे हैं। जमीर वो रोटी खा लो। ये इस तरीके से ना सर पे बढ़ाते हैं, हाथ से खाते हैं। इनको पता चल जाए हाथ में बीज है। पंजे चुपते हैं इनके ना। अभी मौसम में बच्चे निकले हैं तो एक बच्चे को तो इतना कूटा, उसको मैं पाल रही हूँ। बाकी बच्चे सामने छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे आपको। अंदर हैं कुछ कुछ, इनमें एक मेरा सामने छोटा सा। बच्चे बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलते, मुझे तो नहीं पता चलते कौन से बच्चे हैं कौन से बड़े। बस अब वो चोंचों की पहचान करा दिए कि ये बच्चा है ये बड़ा है। ये मुट्ठी में से बीज खा रहे हैं सारे चढ़ के। इनको बीज बहुत पसंद है। दूसरों के बीज ये काला आयल गिर गया था थोड़ा, तो सारे ये थोड़े मेले हो गए। अब इनको भी नहला के ना साफ कर देंगे। पता नहीं किसने काला आयल उसके ऊपर रख दिया, सारा इनके गिर गया। अब मुट्ठी खोलोगे तो आएंगे। हाँ ये आए शेर के बच्चे। आ आ आ आ आ आ सारे वहाँ जमा हो जाएंगे। आ 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
और फिर उनके हाथ पे आके बैठ गए, मुट्ठी में से निकालेंगे, एक मुट्ठी ला के वो डाल दो राव सब खिला दो उनको। गर्म होते हैं ना तो ज़्यादा नहीं देते, और बहुत शौक से खाते हैं ये। अरे भैया मेरे सर पे आ गए सारे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये बाहर निकला, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। ये रेड रेड से ब्लैक से नज़र आ रहे हैं, ये मेरे बेटे ने गिफ्ट किए हैं और इनके बच्चे भी निकले हैं। वो बच्चा देखें कितना तेज है, छोटा सा है, सब में घुसा हुआ है। ये भाग रहा है। ये गिली रोटियां भी बड़े शौक से खाते हैं, और क्या कहते हैं, काले दाने चने वगैरह ये भिगो के देती हूँ इनको, ज़्यादातर बहुत शौक से खाते हैं ये। हाँ, ये इनका बुड्ढा कबूतर है, इन्होंने पहली दफ़ा मुझे ला के दिया एक जोड़ा, माशाल्लाह से इतने हो गए, कितने तो बेचारे बिल्ली खा गई। हाँ, ये पहला कबूतर है इनका, वो देख रहे हैं कि गोद में बैठा कैसे आराम से सकून से, मानूस बहुत है ना। एक तो उड़ गया था, दूसरे दिन पता नहीं कहाँ से आया। बंदे की किसी की तबीयत ख़राब हो जब अपने परिंदों अपने जानवरों में आता है तो बड़ा खुश होता है उसको ना, तबीयत बहाल हो जाती है। ये बच्चे हैं जो खा रहे हैं ना, ये चौकीदारी शुरू हो गई है। मेरे आगे पीछे बहुत से कबूतर ही देखे हैं, मेरे आगे पीछे फिर रहे हैं। ये दाना मुट्ठी में बंद कर लेते हैं ना, तो फिर ये मुट्ठियों में से नौचे नोच के खाते हैं ये।
इनको तो कितने भी बीज खिला दो इनका दिल नहीं भरता। ये रेड कलर की कबूतरी है, पता नहीं कबूतर है। ये इसकी मादा है, ये सिल्वर छोटी खड़ी है। ये बड़ा नर है, इसकी मादा नहीं है। वो लेके आएंगे इंशाल्लाह, जोड़ा बना रहे हैं इसका भी। हाँ ढूंढ रहे हैं ना उसके अंदर मुट्ठी में जो आप खिलाते हैं। हाँ इनको किसी ने कूटा है, टांड इनकी जख्मी हुई हुई है। कुछ गुंडे भी हैं ना इसके अंदर, तो छोटे कबूतरों के टांटों पे मारते हैं, लेकिन इनकी टांड ना कैसी हुई हुई है। ताज खा गए हैं इसका, इसका देखिए सर पे ताज है इन सब के। ये बच्चा, बच्चे भागे भागे फिर रहे हैं। आपका चेहरा देख कैसे रहा है गौर से? अच्छा गौर से देख रहा है कि मुट्ठी खोल क्यों नहीं रहे? पर निकाल दिया उन्होंने अपना। नहीं बुलाओ चारों को। अब वो बंद होने का टाइम हो गया है ना इनके, सब अपने पिंजरों के पास जाएंगे। हाँ अब खा पी के सब सुकून करेंगे। अब इनका ये आखिरी राउंड था, आपने देखा ये मेरे पास सारे आ गए। अरे भाई नहीं नहीं पाँव नहीं कुछ दो। आह 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 आह। हाँ अपने घर में जाएंगे, वो टाइम हो गया ना उनका। अब ये और अंदर डाल दो उनको, आह आह करोगे ना खुद ही चले जाएंगे। चले ओके अल्लाह हाफिज़। अपने पिंजरे में सारे घुसे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मछली बाजार हो गया। आओ 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 आओ। ये सारे से अरे अरे एक मिनट कैमरा गिराएगा। अटे उस पर तो नहीं बैठ भाई। चले आपने देखा, ओके अल्लाह हाफिज़।